हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक, जो कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है, जो कि आपका बहुत ही बड़ा और स्कोरिंग चैप्टर के तरीके या कह लीजिए सब पॉइंट के तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हो। इसमें मार्क्स स्कोर करना ईजी है। तो आज का टॉपिक हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये जो है आपका 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन यहाँ पे बनते के आसार नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 5 मार्क्स के तरीके से ही आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है इसको समझे उससे पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। लेट सपोज आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है कुछ स्क्वायर फीट का, या कुछ जो है कुछ बीघा ज़मीन है जिसमें आप खेती कर सकते हो, और आपके पास दो अल्टरनेटिव है कि या तो आप आलू की खेती कर लो, आलू का चालू भैया वाली खेती कर लो, या फिर प्याज ले लो, प्याज आज सुबह से ना है कांदा बिका है वाली, वो वाली खेती कर लो। तो ये दो अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप ये दोनों अल्टरनेटिव के लिए नहीं जा सकते, आप सिर्फ एक अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हो। और लेट सपोज आपने जो है चूज़ किया कि मैं आलू कचालू की जो है उसकी खेती करूँगा, ना कि प्याज की। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक अल्टरनेटिव चूज करने में जो आपने दूसरे अल्टरनेटिव को जो छोड़ दिया है, वो क्या है, वहाँ पे भी आपको कुछ पैसा मिलता, वहाँ पे आपको कुछ इनकम होती। अगर आप प्याज की खेती करते तो आपको कुछ ना कुछ इनकम वहाँ से होती। तो वही पेमेंट, वही अमाउंट, वही एक आप कह सकते हो कि जो पैसा है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि आपने दो अल्टरनेटिव या जो भी अल्टरनेटिव आपके सामने अवेलेबल थे उन अल्टरनेटिव में से किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने में जो दूसरे अल्टरनेटिव का त्याग किया है, उसका जो भी आपको पेमेंट मिलता है या जो भी उससे आपकी अर्निंग होती या उससे जो भी आपका रिवेन्यू जनरेट होता, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कि भाई तेरे को पाने के चक्कर में मैंने जो है ये सब छोड़ा है, ये मुझे जो है मिल जाते तो मैंने ये अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे बन के आ जाता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म यूज्ड इन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव foregone when deciding, यानी आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये टर्म वहाँ यूज़ किया जाता है इकोनॉमी में, ये उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो वैल्यू आपने छोड़ दी है, या फिर जो वैल्यू आपने छोड़ी है। और कब छोड़ी है आपने, जब आपने किसी दूसरे अल्टरनेटिव का चयन कर लिया है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉन चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये क्या है, ये एक कॉस्ट है किस चीज़ की, वो कॉस्ट जो कि आपने ना चूज़ करने की वजह से, जो आपने चूज़ नहीं की है, और किस चीज़ का, द बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की। अदर वर्ड्स में बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एक कॉस्ट है ऑफ मेकिंग अ चॉइस, आपका ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ द फोरगोन बेनिफिट ऑफ द अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट वर नॉट चूजन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है डिसाइड करता है $500 जो है वो स्पेंड करेगा ऑन अ नाइट आउट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट डिसीजन कुड बी द लॉस ऑफ पोटेंशियल इनकम। उसने क्या बोला कि लेट सपोज एक पर्सन है जो कि उसने सोचा कि वो अपने जो पैसे हैं वो $50 वो स्पेंड करेगा किस पे, नाइट आउट पे। तो यहाँ पे जो बेस्ट उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो अपनी पोटेंशियल इनकम को जो है वो लूज कर रहा है, दैट यहाँ पे ले रहा है, दैट कुड हैव बीन अर्न बाय वर्किंग ड्यूरिंग द टाइम एंड और द लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू सेव द मनी इन द फ्यूचर यूज। तो यहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि भैया वो बैठ सकता था, काम कर सकता था, वो जो उस वहाँ से अर्न कर सकता था वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लग गई। सिमिलरली इफ अ कंपनी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुड बी द लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट दैट कुड हैव बीन अर्न बाय इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट। यानी एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाएगी और इन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो वो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट से वहाँ पे इन्वेस्ट करके अर्न कर सकती थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमी बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक में, क्योंकि ये आपको इंडिविजुअल को और बिजनेस को हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में। अब ये कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप देखो कि किसकी तरफ अगर मैं गया तो दूसरे की कॉस्ट क्या बनेगी, दूसरे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए क्या बनेगा। तो दोनों सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कितनी बनेगी, तो वो आप डिसाइड करके जान सकते हो कि अगर मैंने ये ऑप्शन नहीं लिया और दूसरा ऑप्शन लिया तो मैं यहाँ पे इतने जो है इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, और दूसरे ऑप्शन को मैंने अगर चूज़ किया तो फर्स्ट में कितनी बनेगी। बाय कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन दे कैन वेट द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच चॉइस एंड मेक अ डिसीजन दैट विल मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट। जहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली ईच ऑप्शन की, जहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं तो हर किसी की आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली, और वहाँ पे आप जो है अपने जो भी उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के ड्रॉबैक्स हैं बेनिफिट्स हैं उसके साथ चूज़ कर पाओगे, या फिर उसके साथ अपना डिसीजन लेने में उस आपको जो है ये चीज़ हेल्प कर पाएगी। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।